पीएम मोदी ने गुजरात को दी 5-स्टार रेलवे स्टेशन की सौगात, हरी झंडी दिखाकर किया उद्घाटन। राहुल गांधी की दो टूक का, कमजोर नेताओं के जाने का स्वागत है, आरएसएस से जुड़े हैं ये सभी। फेस मास्क के घटते इस्तेमाल पर सरकार ने जताई चिंता, कहा ये हमारी लाइफ का न्यू नॉर्मल होना चाहिए। विदिशा में देर रात हुआ बड़ा हादसा, बच्ची को बचाने के लिए पुल में गिरे 25 से 30 लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। विदिशा हादसे पर राज्य सरकार ने बताया दुख, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का किया ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिस खबर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। विदिशा जिले में गुरुवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। गंज बासौदा में रात को कुएं में फिसलकर गिरी एक बच्ची को बचाने के लिए कुएं की मेड़ पर खड़े कई लोग अचानक मिट्टी धंसने से कुएं में गिर गए और मलबे में दब गए। इनमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बचाव कार्य मध्यरात्रि के बाद भी जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव में लगी हुई हैं। वहीं इस हादसे में कुएं में गिरने के बाद बचाए गए 2 लोगों ने मीडिया से कहा कि कुएं में गिरी एक बच्ची को बचाते समय यह हादसा हुआ, उसे बचाने के लिए कुछ लोग इस कुएं में उतर गए, जबकि करीब 40 से 50 लोग उनकी सहायता करने और देखने के लिए कुएं की मेड़ और छत पर खड़े हो गए, जिसके बाद यह हादसा हो गया। फिलहाल हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी और उन्होंने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ललित सिंह सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी, अब तक कितने लोगों को निकाला जा चुका है? लगभग 19 लोगों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाला गया है और फिलहाल अभी सीएम में आपको बता दूं कि एक और जानकारी मिल रही है, अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले एक और शव मिला है जिसमें अब कुल 5 लोगों की इस में मौत हुई है। कुआं धंसने से इन हादसा हुआ था, बच्चा जो कि पानी भरने गया था जिस दौरान वो अंदर गिर गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और इकट्ठी होने के बाद कुआं धंसने से 30 से 40 लोग अंदर गिरने की सूचना मिली और वहां पर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे की घोषणा तक की है इस मामले को लेकर। और कितने लोग अभी अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है? लगभग प्रशासन की जानकारी के अनुसार 8 से 9 लोगों के अंदर फंसने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल अभी एक और युवक जो शव निकाला गया है उसकी भी मौत सामने आई है, जो लगातार रेस्क्यू जारी है और वहां पर प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, एसपी सभी मौजूद हैं, साथ ही शिवराज सिंह मुख्यमंत्री चौहान इस पर पूरी नजर निगरानी रखे हुए हैं। जिन लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और जो सकुशल हैं, उन्होंने क्या अपने अनुभव साझा किए हैं? उन्होंने बताया कि जब बच्चा था जो कुएं में गिर गया था, तो जब लोगों को आवाज आई, उसके भाई ने आवाज दी, तो लोग वहां पहुंचे पास में और लोगों की भीड़ होने से कुआं घसा और कुआं घिसने से अंदर लोग गिर गए, जिसके बाद 30 से 40 लोग अंदर गिरे और लोगों की बहुत सारों की जो तैरना आता है वो लोग बाहर निकल गए और जिसको तैरना नहीं आते बहुत सारे शव अंदर है और अभी भी रेस्क्यू जारी है। लगभग 8 से 9 लोग, प्रशासन की दृष्टिकोण से 8 से 9 लोग अंदर फंसे हुए हैं। अभी और कौन कौन से बड़े अधिकारी या फिर कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं इस वक्त? यहां पर फिलहाल जो प्रभारी मंत्री है विश्वास सारंग है, एसपी है, डीएसपी है और डीएजीपी भी पहुंच चुके हैं, साथ ही एसडीएम सर है, मतलब तमाम जो अधिकारी है सभी यहां पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने गंज बासौदा हादसे को लेकर कहा कि ये पीड़ादायक घटना है। वहीं उन्होंने घटना की पूरी जानकारी दी और साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने 5-5 लाख मृतकों को राहत राशि और 50,000 रुपए घायलों को देने का निर्णय लिया है। दुखद प्रसंग है, पीड़ादायी प्रसंग है। बच्चा खेलते हुए कुएं में गिर गया, दूसरे बच्चे ने जब लोगों को सूचना दी और वो दौड़े आए, उसके बाद यह घटना घटी। कुएं का धसकना
एक दो बार उससे अभी 3 बॉडियां बरामद हुई, चौथी भी निकलने को है। 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, पूरी रात रेस्क्यू चला है, प्रशासन के अधिकारी पूरी रात वहीं रहे हैं। हृदय प्रदारक घटना है, मौत के लिए वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5-5 लाख रुपया और मृतक को और 50,000 रुपया घायलों के लिए दिया है। इंदौर में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र संघर्ष समिति के छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार संजय गर्ग को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के बाहर छात्रों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि शासन द्वारा ये तय किया गया है कि 5 महीने क्लास लगी है, इसलिए उतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति और आवास योजना की पूरी राशि तुरंत प्रदान करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही छात्रों का ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों से परीक्षा फीस के नाम पर 142 करोड़ रुपए जमा किए हैं। छात्रों की मांग है कि सबसे पहले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति और आवास योजना की राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाए। हम लोग छात्र संघर्ष समिति से यहाँ पे आज एक प्रोटेस्ट डे ऑर्गेनाइज किया है हम लोगों ने पूरे प्रदेश में, और बहुत टाइम से हम लोग का मूवमेंट चल रहा है कि स्कॉलरशिप जो है वो पूरी दी जाए। अभी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप जो दी है वो आधी दी है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब फीस पूरी ली गई तो स्कॉलरशिप आधी क्यों दे रहे हैं, तो इसको लेकर एक हमारा डिमांड है। दूसरा है कि एक बहुत करोड़ मात्रा में अमाउंट इकट्ठा हुआ है एग्ज़ाम फॉर्म फीस से, हर एक बच्चे से 2,000 रुपये लिए गए हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म फीस जो है वो रिटर्न की जाए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी स्कूल कॉलेजेस में बच्चे एडमिशन्स के लिए परेशान हो रहे हैं, तो फ्री सीहोर के आष्टा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए स्थानीय तहसील कार्यालय के सभाकक्ष में सर्वधर्म समाज के शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय विधायक, अनुविभागीय अधिकारी और तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें शांति समिति के हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के सदस्यों ने त्यौहार पर आने वाली समस्याओं से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही बारिश के दौरान होने वाली नाले की समस्या को हल करने पर चर्चा की गई। बैठक में शहर की साफ सफाई, विद्युत की व्यवस्था और आगामी त्योहारों पर नगर में विशेष पुलिस बल की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। एमपी और यूपी को जोड़ने वाले गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर पहुज नदी के पुल के पास उस समय सनसनी फैल गई जब यूपी के जालौन और एमपी के भिंड जिले के मिहोना इलाके की सीमा पर एक बम जैसी वस्तु के होने की सूचना उत्तर प्रदेश के जालौन पुलिस को मिली। मामले की गंभीरता को समझते हुए जालौन पुलिस स्क्वाड दस्ते के साथ मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद बम स्क्वाड दस्ते ने बताया कि बम जैसी जो चीज़ मिली है वो हैंड ग्रेनेड है और अभी नहीं कह सकते कि उपयोग किया हुआ है या जिंदा है, ये तो उसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। गोपालपुरा विलेज का एक लड़का है, ही इज 20-25 years old, शायद वो थोड़ा विक्षिप्त बताया जा रहा है जी। उसके द्वारा एक वो नहाने गया था एक्चुअली रिवर पहुंच में जी, और वहाँ पे जब उसने डुबकी लगाई, पैसे निकालता हुआ एक्चुअली उसमें से डुबकी लगा के, तो साथ में वो एक उसको ऐसा देखा तो हैंड ग्रेनेड टाइप का है, ले के आया और ले आया गाँव लोगों ने देखा और उसके हाथ में इस चीज़ को देखने के बाद उसको कह दिया कि यहाँ पे फेंक दो, तो उसने यहीं पे गड्ढे में गोपालपुरा जो ये हाईवे है उसके साइड में उसको फेंक दिया था। पुलिस को सूचित किया गया, जब पुलिस आई तो उसने देखा कि वो एक हैंड ग्रेनेड टाइप का है और सूचना हमने BDS टीम को दे दी है, तो BDS टीम आएगी उसे देखने के बाद ये बताएगी कि वेदर इट इज़ लाइव। भिंड प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रथम आगमन पर हंगामा हो गया, जहां एक तरफ सिंधिया समर्थक और पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद दिखा, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारे लगाए। साथ ही जिला संपर्क कार्यालय ने मीटिंग में 14 पत्रकारों को ही प्रवेश दिया, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। माना जा रहा है कि जिले के अहम विभागों के अधिकारियों ने विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से सिर्फ अपने चहेते पत्रकारों को ही बुलाया। पत्रकारों ने भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस और जिला संपर्क कार्यालय के अधिकारी अनु शर्मा के खिलाफ
जमकर नारेबाजी करते हुए जिला संपर्क अधिकारी अरुण शर्मा को हटाने की मांग की। इंदौर में सिविल जज वर्ग दो के परीक्षा परिणाम से छात्र असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इंदौर सिविल जज वर्ग दो के लिए 4 माह पहले परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम करीब 1.5 माह पहले सामने आया। इसमें मॉडल उत्तर पुस्तिका के 6 प्रश्नों के उत्तर बदलने से छात्रों में असंतोष दिखा। इसके बाद करीब 17 पिटीशन फाइल की गई, जिसमें सिविल जज वर्ग दो परीक्षाओं की खामियों को दूर करने और सभी पहलुओं को प्रामुखता से देखने के लिए 2 रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को कमेटी बनाने के निर्देश जारी हुए, जो 2 सप्ताह में सभी पहलुओं को न्यायालय के समक्ष रखेंगे। वहीं मामले पर परीक्षा रजिस्ट्रार को कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में परिणामों को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए और इससे जुड़े तथ्य स्पष्ट किए जाने चाहिए। सिविल जज क्लास 2 की भर्ती के लिए हाईकोर्ट एग्जाम लेते हैं, तो उसमें इस बार भी 252 पदों की भर्ती के लिए नियुक्ति निकली थी, जिसकी एग्जाम 20 मार्च 2021 को पूरे देश में हुई थी। इस बार क्योंकि कोविड की वजह से जनरली पूरे एमपी के लिए होती है ये, पर इस बार पूरे देश में इसके सेंटर्स अलॉट किए गए थे, जिसमें क्या हुआ था कि 2 दिन बाद 22 मार्च को इसकी आंसर की निकली थी, आंसर की इशू करी थी हाईकोर्ट की एग्जाम कमेटी ने। उस आंसर की में जो आंसर्स थे, वो जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मई 2021 में, तो उस आंसर्स को बदल दिया गया था, तो जिससे व्यतीत होकर के जो पिटिशनर है और वहीं नगर निगम ने एक बार फिर मैदान संभाल लिया है और जर्जर मकानों को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है। बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त और जर्जर मकानों से हादसे होने की आशंका है। ऐसे मकानों को चिन्हित कर इंदौर नगर निगम ने सूची तैयार कर ली और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल वाटर प्लस का सर्वे पूरा होने के बाद नगर निगम अब नए टास्क को पूरा करने में जुटा है। शहर में जर्जर भवनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिसमें 1 साथ 4 स्थानों पर जर्जर भवन ध्वस्त करने की कार्रवाई निगम द्वारा की गई। निगम ने शहर में 162 जर्जर भवनों की सूची तैयार की है। निगम द्वारा पारसी मोहल्ले, मौलाना आज़ाद मार्ग, लोहरपट्टी, सिलावटपुरा में जर्जर मकानों पर कार्रवाई की। नगर निगम ने आज से ही रिमूवल की कार्रवाई शुरू करी है। ये जोन नंबर 2 में 4 खतरनाक मकान थे, जिसमें से कि 3 पूरे खतरनाक थे और 1 में दीवारें थीं दो, तो वो हम लोगों ने सुबह आज 1 मकान सिलावटपुरा में और 3 मकान यहाँ पर अपना निकाले हैं, तोड़े हैं मकान। और जोन मंदसौर में जिला महिला कांग्रेस ने शहर के गांधी चौराहे पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेत्रियों ने महंगाई की अर्थी निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान जब महिला कांग्रेस नेत्रियां अर्थी को लेकर चौराहे पर घूमने के लिए निकले, तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और अर्थी पर पानी की बौछार करने की कोशिश की, जिस पर कांग्रेस नेता पुलिस से भिड़ गए। वहीं कांग्रेस ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार सुनील डावर को सौंपा। जावरा में सोयाबीन से भरे ट्रक की सनसनीखेज चोरी के मामले को पुलिस ने महज 12 घंटों में सुलझा लिया और चोरी किए गए ट्रक और सोयाबीन को बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरी में शामिल गिरोह के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं चोर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। इस मामले पर जावरा शहर थाना प्रभारी वीडी जोशी ने बताया कि 25 टन सोयाबीन से भरे ट्रक को उसके ड्राइवर शहनवाज खान ने रात करीब 12:30 बजे गुलशन गार्डन के पास खड़ा किया था। सुबह उसे ट्रक लेकर नागपुर रवाना होना था। सुबह करीब 8:30 बजे जब वो गुलशन गार्डन पहुंचा तो ट्रक नदारद था। शहनवाज फौरन पुलिस थाने पहुंचा और उसने ट्रक चोरी होने की जानकारी दी। चोरी की ये वारदात करीब 35 लाख रुपए की थी, जिसमें 15 लाख रुपए ट्रक का मूल्य था, जबकि इसमें भरे गए सोयाबीन की कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। ट्रक चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 2 आरोपी शाहरुख और भादर को गिरफ्तार कर लिया। कल दिन में सुबह के समय में शाहनवाज पिता कादर खां निवासी नया मालीपुरा इनने आगे सूचना दी थी कि हम अरनिया मंडी से हमने ट्रक में सोयाबीन भरा था, 25 टन सोयाबीन संजय हरण का माल था और नागपुर जाना था। हमने रात्रि के समय 12 बजे करीब गाड़ी गुलशन गार्डन के पास खड़ी करी थी और जब सुबह जाके देखा 9-10 बजे तो वहाँ गाड़ी नहीं मिली, ट्रक नहीं मिला, कोई अज्ञात चोर हमारा। रायसेन के ग्राम हथौड़ा में ठेकेदार राकेश सक्सेना के बनाए गए पुल में रेलिंग न लगाए जाने पर आए दिन पुल से मवेशी गिर रहे हैं। अफसरों की अनदेखी और पुल निर्माण एजेंसी की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और बड़ा आंदोलन करने का मन बना लिया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस थाने में ठेकेदार के विरुद्ध
गौ हत्या का प्रकरण पंजीकृत कर कार्रवाई को लेकर लिखित में आवेदन दिया और उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं रीवा में रिश्तों के खून का मामला सामने आया, जहां जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बेलवा बड़ग्यान गांव में एक पिता ने बेटे को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मृतक जितेंद्र तिवारी नशे का आदी था। नशे के लिए वो अक्सर घर में झगड़ता रहता था। बीते दिन रात में घर से वो लापता था। गुरुवार की सुबह घर लौटा तो फिर झगड़ा करने लगा। इतना ही नहीं, वो घर में तोड़फोड़ पर उतारू हो गया, जिसके बाद पिता ने उसे रोका। इस पर वो पिता से भिड़ गया, जिस पर पिता ने डंडे से बेटे के सिर पर वार कर दिया। सिर पर लगी डंडे की चोट से बेटा बेहोश हो गया और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और पिता को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का बिलवा बड़गैया गांव है, वहां पर ये जितेंद्र तिवारी पिता शैलेंद्र तिवारी 27 साल की आसपास की एज है इसकी, नशे का ये आदतन था, उसके कारण से इसका विवाद घर पे चलता रहता था। पिता के साथ वहां घर पे विवाद हुआ, मारपीट की इसने पिता के साथ में, तो पलट के पिता ने भी इसको मार दिया, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुँच गई है, एफएसएल की टीम भी जा रही है। पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई कर दी गई है और उसके पिता को भी अभी नगर निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, जो वे बोलते हैं वो करते नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में खरीद फरोख्त और गुंडागर्दी के दम पर सरकार ने किस तरह से वहाँ पर जोर जबरदस्ती की, ये सभी ने देखा। वो मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शांति का टापू है, अगर ऐसा करते हैं तो उनकी विदाई तय है। वहीं उन्होंने बताया कि जब हम सत्ता में थे तब हम नया अध्यादेश लेकर आए थे। बीजेपी की कोई नीति नहीं है, बीजेपी हमेशा से जो बोलती है वो करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अगर कोई व्यवस्था बनाई थी तो बहुत सोच समझ के बनाई थी। जिस तरह से भी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव में हमारे सदस्यों को खरीद के, डांट के, पुलिस के बल के, गुंडागर्दी करके जिस तरह से वहाँ पे जिला सरकार, ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश की है, वो मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस तरह का हमारे यहाँ कभी कल्चर नहीं रहा है। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश में भी, चाहे गृह मंत्री हों चाहे अन्य इनके मंत्री लोग हैं, आज ही यही खबर मंदसौर से है, जहां सीतामऊ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। बता दें कि पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कस लिया। पुलिस ने खेड़ा गलियारा रोड की ईंट भट्टे के पास से नाकाबंदी के दौरान एक कार से 15 प्लास्टिक की बोरी में भरा कुल 3 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ बरामद किया। आपको बता दें कि बरामद किए गए मादक पदार्थ की कीमत 4,50,000 रुपये है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगरौली में यदि आप कियोस्क सेंटर से पैसे निकालने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, जरा सी लापरवाही आपके साथ ठगी का कारण बन सकती है, क्योंकि नगद की निकासी में जालसाजी की घटनाएं लगातार जारी। ताज़ा मामला मोरवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला के खाते से कियोस्क संचालक ने कुछ दिनों पहले धोखाधड़ी कर 1,60,000 रुपये निकाल लिए। महिला की शिकायत पर मोरवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। बाद में उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक फरियादी बसंती बसोर निवासी मैड़ोली ने मोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि जमीन विस्थापन में मिला मुआवजा 1,60,000 रुपये था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने वो निकाल लिया। इसकी जानकारी महिला को तब हुई जब कियोस्क सेंटर में पैसे निकालने के लिए महिला गई थी। हरदा में वैक्सीनेशन सेंटर पर भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे की गुंडागर्दी देखने को मिली। जानकारी मिली कि वैक्सीन लगवाने आए दंपति से मारपीट की गई। इस मामले में जनजाति युवा संघ के बैनर तले इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें आरोपी नितिन मीणा को SC ST एक्ट में केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और कहा गया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर में सामाजिक संस्था सुन्नी वेलफेयर कमेटी की सराहनीय पहल देखने को मिली। इस संस्था के लोगों ने कोरोना के दूसरे फेज में भी गरीब और असहाय लोगों की मदद की और इस बार भी बेरोजगारी को देखते हुए एक नई थीम तैयार की गई। माइक्रो बिजनेस सेटअप लगाने का बीड़ा उठाया गया। इसके जरिए 50 दिनों में 50 बेरोजगारों को अलग अलग तरह के छोटे कारोबार को
शुरू करने की प्लानिंग की गई। बता दें कि संस्था के लोग 300 लोगों को पहले भी रोजगार दिलाने में कामयाब हो चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।